आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। महामहिम राष्ट्रपति के जनपद आगमन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एडीजी जोन अखिल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक, सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के दिए निर्देश। पिता की पिटाई का वीडियो बनाने पर बदमाशों द्वारा मारी गई गोली से घायल काजल की हुई मौत, अपराधी पर इनाम घोषित कर की जा रही है अग्रिम विधिक कार्रवाई, मामला गगहा थाना क्षेत्र का। पिपराई थाना क्षेत्र में एक साथ दो युवकों की रेलवे लाइन पर कटी हुई मिली लाश, पुलिस ने ट्रेन से कटकर मौत होने की आशंका की जाहिर, एसपी नॉर्थ ने कहा पोस्टमार्टम कर की जाएगी घटना की तफ्तीश। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी ने सर्किट हाउस में की जन सुनवाई, महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई करने के दिए निर्देश, कहा महिलाओं से जुड़ी योजनाओं का करें प्रचार प्रसार, घरेलू हिंसा पर लगाया जाए रोक। उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त द्वारा 7 मई से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड परिवहन निगम सहित निजी संचालकों के अंतर्राज्यीय परिवहन पर लगाया गया प्रतिबंध हटा, अब शर्तों के मुताबिक चल सकेगी अंतर्राज्यीय बसें। फर्जी तरीके से सॉल्वर बनकर शासन द्वारा आयोजित पीईटी परीक्षा 2021 से परीक्षा देने वाले दो मुन्ना भाई चढ़े कैंट पुलिस के हत्थे, भेजे गए जेल। गोरखपुर में बुधवार को नहीं मिला कोई नया कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,392, अब तक 848 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 12 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूर्व विधान परिषद सदस्य एवं एडवोकेट स्वर्गीय नागेंद्र नाथ सिंह की 9वीं पुण्यतिथि के स्मृति अवसर पर भारतीय राजनीति में आध्यात्म की धारा और परंपरा विषय पर आयोजित किया गया संगोष्ठी, विभिन्न क्षेत्र के विभूतियों को किया गया सम्मानित। जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 82 केंद्रों पर बुधवार को 15,562 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण, फर्स्ट डोज लेने वालों में 11,779 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 3,783 लोग रहे शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर नगर निगम में महापौर की अध्यक्षता में आयोजित हुआ शोक सभा, दी गई श्रद्धांजलि, महापौर ने कहा कल्याण सिंह का भारतीय राजनीति में रहा है अनुकरणीय योगदान। 18 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले बुधवार को शिक्षकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर दिया धरना, मांगों को पूरा करने की मांग। और लगातार हो रही बारिश से लोगों की दिनचर्या हुई प्रभावित, आपदा विशेषज्ञ ने कहा अभी 3 दिनों तक है बारिश के आसार।